क्लास 10th के सभी बच्चों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि आपसे मैंने पहले कह दिया कि सेट ए बी सी डी एफ ई एफ तक एफ छह पेपर में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसी श्रृंखला में से डी है। ये बाल का नाम इतस्य पदस्य विभक्ति अस्ति षष्ठी, रमा शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति तो रमया, पितृनाम इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या है, बोल रहा है फलम का चतुर्थी विभक्ति रूपम क्या है तो फलाय, ठीक है, यहां से आपका अपी आ जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा ये, इसका भी अपी आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया से करो कंप्लीट। मैंने वादा किया आपसे कि अब की बार 90 पाल ले चलूंगा, इन बच्चों ने भरोसा किया था, आप भरोसा करो। ठीक है, आईएमपी आईएमपी चीजें पढ़ रहे हैं अपन तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई रियल पेपर नहीं है, रियल पेपर जिसके पास मिलता हो तो वहां से आप ढूंढ भी सकते। पहला रिक्त स्थान जो है इसमें आपका कृषक आएगा, दूसरे का आपका जननी आ जाएगा, तीसरे में तनु, चौथे की बात करें तो जुम्बका, पांचवा आ जाएगा शुद्धम, छठा जो है पूरा आ जाएगा, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, ये लो स्क्रीनशॉट भी, है ना। अब है सही जोड़ी विद्याभ्यास, विद्याभ्यास में सबसे पहली जोड़ी है उसकी दीर्घ संधि, दूसरा है रमा प्लस ईसा गुण संधि, गायका अयादि संधि, चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष, पंचवटी में आपका दिग्गु समास, और अत्याचार में जब भी आधा वर्ण आए ना उसमें यन संधि रहती है। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक पदेन उत्तरम लिखत, हसी तुम इति प्रत्यय तुमुन, हसन तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तो श्रत, बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय तो टाप, बुद्धिमति कुत्र व्याग्रम दर्श से गहन कानने, और यहां पर आ जाएगा आपका जम्बुकम, और अतिथि केन प्रबद्धता पाद ध्वनि नाम, और यहां पर है शुद्ध अशुद्ध, पहला आपका आम रहेगा, भव इतस्मिन पद धातु रूपे एक वचनम तो इसका भी आम रहेगा, तीसरा जो है ना रहेगा। बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप, है ना, यहां पर देखिए ये, और यहां पर छठा जो है इसका भी आम रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, है ना। जहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये 10 है, 11, 12, 13 सर्पात आ जाएगा, आम मोदकम खादती का जाएगा, देख लीजिए सर्प हट गया, सर्पात आ गया, है ना, पूरा आम मोदकम खादाति का जाएगा, खादामी तुम नाम किम, तो यहाँ पर तो अब की तव नाम किम आ जाएगा, श्री राम नमः, श्री रामाय नमः, श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री शिव नमः, तो श्री शिवाय नमः, इस तरह से आपका रहने वाला है। यदि इसकी बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें आ जाएगा सदा, दूसरा जाएगा संख्यम, तीसरे का जाएगा रिपु, चौथे में जाएगा बुद्धिमति, पांचवा जाएगा प्रथमो, छठा जाएगा एव। ठीक है भैया, इतनी चीजें कर लेना आपको कंप्लीट, गेट ना। इसके बाद में हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, घटना के अनुसार क्रम, घटनाक्रम आ जाएगा ये, यहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वाच्य परिवर्तन, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप कंप्लीट कर लो बस। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ये,
ठीक है भैया। इसके बाद में आगे की बात करें अपन, तो यहां से देख लीजिएगा, ये इसका थोड़ा है, यानी नो नंबर जो है आपके बिना फोकट के रहने वाले हैं, और इनको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाता हूं, आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको सोल्व करना। यदि आपको नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, तब भी आप इसको आराम से कर पाओगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, पहला क्या है, अस्मित अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, कोई एक देवला नामक गांव था, तत् राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ती इसमा, उसमें वहां पर राज सिंह नामक एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा एक केनापी एक बार किसी आवश्यक कार्य से आवश्यक कार्य तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वियोपेता दोनों पुत्र के साथ पितुर गृहं प्रति चलिता अपने पिता के घर की ओर चले, यानी मायके चले। ठीक है, मार्गे गहन कानने एक घने जंगल में सा एक व्याघ्रम दर्शता, उन्हें एक बाघ मिला शेर मिला, सा व्याघ्र मा गच्छतम दृष्टवा, और वो शेर को अपनी ओर आते हुए देखकर बोली, दोनों पुत्रों को चपेटया प्रत्यय जागता, और क्या करा, दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ मारा और मारकर बोली कि कत मेके कसो व्याघ्र छन आय कलम कुरुता, तुम क्यों एक 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 शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, बाघ को खाने के लिए क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, आई मेक स्ता वा द्विज्य भुज्यताम, है ना, दोनों क्या करो मिल बांट के खा लो, अभी क्या है ये एक शेर है अपने को मिला है, तो आप क्या करो दोनों को मिलके उसको खा लो, और बाद में कोई दूसरा मिलेगा तो ढूंढ लेंगे। अब ये तो थोड़ा बहुत टूटला फुटला मेरे को याद था तो मैंने बता दिया, अब हमारे बच्चों को बहुत सारे बच्चों को याद भी कुछ भी नहीं रहता, तो मैं पूरी मदद तो कर रहा हूँ आपकी, थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, और नहीं आता है तब भी आप ढूंढ भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा सही, एक बिना पढ़े भी बता दूंगा ना। देवलाख्यो ग्रामा का वस्ती इसमा, अच्छा ये घटना क्यों थी कि वो शेर से डर रहे थे, ठीक है, तो वो शेर है ना वो डर के भाग गया, फिर और ये तो आपने पाठ पढ़ा भी होगा, देवलाख्यो ग्रामा को वस्ती इसमा, देवलाख्य ग्राम देव देव देवला नामक गांव में कौन रहता था, तो राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ती इसमा, तो ये यहाँ से, ठीक है भैया, तो अपन लिखेंगे देवलाख्यो ग्रामा राज सिंह नामा राजपुत्रा वस्ती इसमा, तस्य भार्या का आसित अपन ने देख लिया है, उसकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो उसकी पत्नी का नाम था आपकी बुद्धिमती, क्या था भैया, बुद्धिमती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, चलिए इसके बाद में जो तीसरा है वो आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा है सा कम दर्द सा, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देख लिया था, तो भाई साहब मेरे को तो नहीं देखा था, उन्होंने शेर को देखा था, डर गए थे वो, है ना, ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं सा एकम व्याघ्रम दर्द दर्दस, ठीक है, हाँ समझ रहे हो, समझो थोड़ी सी बात को भी समझा करो, है ना, सा कीम ये हो गया इतना, सा कीम जागता, तो ये यहाँ पर देखो वो ओ, ओ, ओ जो माता राम थी, माता राम ने क्या किया, दोनों छोरों को दो दो चपाटे मारे थे और कहा था, ठीक है, कि एक शेर के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, दोनों आधा आधा बांट के खा लो इसे, ठीक है, ये बोल रही थी ना वो, तो ये यहाँ पे देखो कहाँ पर था ये कत मेक केक सो व्याघ्र भक्षणया कलह क्रुथा, यानी कि क्यों तुम एक 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 शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो गया, और अगला है राजपुत्रा इतस्य समास विग्रह, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्ञा पुत्रा। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें तो दूसरा है, और दूसरे को अपन पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए इसका फिल्म का सीन में सुना देता हूँ, देखिए जैसे ही उस महिला ने कहा, माता ने कहा, बुद्धिमती ने कहा कि दोनों बच्चों को कहा, शेर जैसे आया तो डर ही नहीं, वो डर बिना डरे उसने ये बात कही कि तुम ऐसा करो, दोनों बेटों को कहा थप्पड़ मार के कि ये जो शेर है ना इसको दोनों के आधा आधा बांट के खा जाओ, ठीक है, तो भैया ये बातें सुन के शेर डर गया, अब ये तो हमको मारेगी जाने, ठीक है, तो जैसे डरी और शेर डरा और डर कर वहाँ यहाँ सुनकर बाघ मारने वाली बातें सुनकर वो डर कर
परेशान हो गया और भाग गया। कौन भाग गया? शेर भागा है मनुष्य को डरकर। तो वहां जो रूपवती स्त्री थी बुद्धिमती, उसने अपनी बुद्धि के द्वारा ठीक है भय मुक्त हो गई। संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े बड़े भय से दूर हो जाते हैं इसी ठीक है डर से। परेशान बाग जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ पर लिखा ना भयाकुल व्याघ्र दृष्टवा, तो शेर जब डर कर भागा और भाग करते हुए किसी एक धूर्त सियार ने कहा, हंसते हुए कहा कि आप कहाँ से डर के मारे भाग के आए हो, तो ये इसका अर्थ रहेगा। अच्छा अब ये बात क्या है, हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है ढंग से, तो उनके लिए क्या करेंगे, केवल आपको यहाँ पर जिस तरह अपने को शब्दों का देखना है। देखिए व्याघ्रो कथम नष्टा, ठीक है कथम नष्टा, तो नष्टा देखो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा नष्टा और ये व्याघ्रो हो गया और भयाकुलो चित्तो, ठीक है तो यहाँ से भयाकुल आ जाएगा, देख लीजिए पहले का उत्तर। दूसरा है सा भामिनी व्याघ्रस्य भयाद कथम विमुक्ता, तो यहाँ पर देखिए विमुक्ता कहाँ लिखा है, उसको शब्द को ढूंढ लो और अपने आप सारी चीजें यहाँ पर देखिए विमुक्ता। और निज बुद्धिया, उसकी अपनी बुद्धि से उसने क्या किया, ठीक है भय से मुक्त हो गई। तो भयांकुले व्याघ्र दृष्टवा ईश्वरी सा भगनी व्याघ्रस्य निज बुद्धिया, ये भयाद के बाद में कथम हटा दोगे और निज बुद्धिया आ जाएगा। थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करना, कहाँ हटना चाहिए कहाँ नहीं हटना चाहिए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा का हसन्नाहा, तो भैया देखिए हसन्नाहा देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है इसके आगे वाला धूर्त कश्चित धूर्त श्रृंगाला, ठीक है ये अपना आ जाएगा इसमें, देख लो गौर से, ठीक है श्रृंगाल किम आहा, किम आहा, तो देखो इसने क्या कहा था, ठीक है तो यहाँ पर श्रृंगाला आहा भवान, भवान आहा कहाँ है, ये आहा देखिए इसमें हसन नाम लिखा ना आहा, ठीक है भवान कुता भयात पालयति, ठीक है आप कहाँ से डर के मारे भाग के आए हो, ये करना है। अन्योपि इतस्य पदस्य संधि विच्छेद कुरुत, तो अन्यो धन अपि, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो है इसी तरह इसमें आप इसको ढूंढना है, ठीक है ढूंढना सिखा रहे हैं। देखिए याद करना अब इतना समय नहीं है आपके पास जानता, आप ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो कि देखिए नौ नंबर फालतू के ध्यान से समझोगे दो से तीन वीडियो में कवर करा दूंगा, ओनली थ्री वीडियो में, ये एक ही वीडियो में संभव नहीं है यार, है ना। मेरा मकसद ये है कि देखो हमारा जो उद्देश्य क्या है, आपकी बार 90 पार, जिन बच्चों को वास्तव में 90 पार जाना है, परसेंटेज बनाना है, और हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, पढ़ो मेहनत करो, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यदि हम बात करेंगे श्रृंगाल की दृशा आसित, देखो की दृशा आसित, आसित वर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना है, ठीक है देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पर धूर्त, ठीक है यहाँ पर धूर्त आ जाएगा, ये व्याघ्रम कया प्रहृति दृष्ट दृष्ट दृष्टा, ठीक है तो यहाँ पर ये लगा दृष्टा और प्रहृति आ गया है और व्याघ्र कया, ठीक है तो यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका चपेटिया, ठीक है भैयू ये आ जाएगा व्याघ्र चपेटिया प्रहृति और दृष्टवा, ठीक है भैयू अगला देखते हैं। तो अंतिम जो है व्याघ्रेन किम कुर्वंती सा दृष्टवा, तो ये दृष्टवा में आ जाएगा आपका यहाँ पर व्याघ्रेन, यहाँ से पूरा लिखना है कि सभी कबेरा, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अंतिम आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना है, वैसे ये आपका हो जाता है इसमें आ चुका था नहीं आएगा, वो दो में से आएगा। यदि अपन आगे की बात करें तो इसी तरह इसको जरूर करिएगा आप, ठीक है यहाँ से देखो तथा को प्रविष्टा, तो ये देखिए तथा प्रविष्टा कौन, यहाँ से देखो आप तो, ठीक है वेदिकेशु नोपदे तपसो कुशलवो, क्या था कुशलवो, ठीक है तो अपन देखेंगे यहाँ से तो तथा तपसो कुशलवा प्रविष्टा, तो इस तरह से बेटा ये आपको पढ़ना है, ठीक है यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है भैया क्योंकि अब इतने सारे एक साथ एक ही वीडियो में कवर पाना संभव नहीं है, अगले वीडियो में हम अगले वाली चीज़ों को पढ़ेंगे, आप तो निश्चिंत रहना है, ये यहाँ से इसको पढ़ना है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा इन चीज़ों को, यहाँ से मेहनत करो आप, तो ये यहाँ से है, ठीक है इसको पढ़ना है,
इसके बाद में यहाँ से इस बार से भी आपका एक हर साल फंसता ही है, ठीक है। ये तो अब इस साल नहीं आएगा, तो ये जरूर आएगा यहाँ से। ये तो इसका क्वेश्चन आंसर हो गया, ये तो आपके पास सीरीज होंगी सही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,